फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल काउंसलिंग जंक्शन में। मैं आज आपको इस वीडियो में जेईई एडवांस 2020 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है। ये इसका रजिस्ट्रेशन कब होगा, रजिस्ट्रेशन के लिए कितना पेमेंट लगेगा, रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, इसके बारे में बताऊंगा। इसके साथ साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसी के साथ जेईई एडवांस 2020 का सारा इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको आप ध्यान से लास्ट तक देखें, सारा ए टू जेड आपका क्लियर हो जाएगा। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर साल कोई ना कोई IIT ऑर्गेनाइज करता है, इस बार IIT दिल्ली कर रहा है, ठीक है। सबसे पहला जो यहाँ पे आएंगे हम, ठीक है, तो पार्ट वन में है इंस्टीट्यूट, टोटल जो है 23 IITs है इंडिया में, ठीक है। यही लिस्ट में लिखा गया है जिसको 7 जोन में बांटा गया है, किस किस जोन में कौन कौन सा IIT है। इसको जानना इतना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप यदि जानना चाहते हैं तो इसको आप एक बार यदि देख लीजिए ध्यान से, 7 जोन में बांटा गया है। एकेडमिक प्रोग्राम यदि हम देखें तो यहाँ पे BTech है, BS है, बैचलर ऑफ साइंस, BArch है, उसके बाद ड्यूबल डिग्री है, BTech प्लस MTech जो 5 ईयर का होता है, ठीक है। ड्यूबल डिग्री है, बैचलर ऑफ साइंस और मास्टर ऑफ साइंस है, इंटीग्रेटेड MTech है, इंटीग्रेटेड MSc है, ठीक है। इसके इतना सारा कोर्सेस है। अब इसमें आपको ब्रांच कौन कौन सा है, किस किस IIT में, ये इंस्टीट्यूट वाइज देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके लिए भी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा जो आपको मिलेगा लास्ट में, बाद में, ठीक है। इसके बाद यदि हम आपको देखें तो जो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स कितना है IIT में, IIT में क्या है, NIT जैसा जो 50% सीट होम स्टेट वालों के लिए, 50% सीट अदर स्टेट वालों के लिए, ऐसा है IIT में कुछ भी नहीं होता। IIT में रिजर्वेशन कैटेगरी पे होता है जो चलता है, जनरल EWS के लिए 10% होता है, ठीक है, और OBC NCL के लिए 27% होता है। OBC NCL क्या है और CL क्या है, यदि आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपका फैमिली एनुअल इनकम 8 लाख से कम है तभी आप OBC NCL का एडवांटेज ले पाएंगे, अदरवाइज आप OBC CL में आएंगे और आपको OBC NCL का एडवांटेज नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको ओपन से सीट लेना पड़ेगा। OBC के बाद SC के लिए 15% का रिजर्वेशन होता है, ST के लिए 7.5% का होता है, PWD कैंडिडेट पर्सन विद डिसेबिलिटी जो कैंडिडेट है वो जिस कैटेगरी के होगा उस कैटेगरी में उसके लिए 5% सीट रिजर्व होगा। अब इस गर्ल्स के लिए जो स्पेशली फीमेल कैंडिडेट के लिए जो सप्लीमेंट्री सीट आया लास्ट ईयर, तो जहाँ पे होप आया था, बढ़ाया गया था, तो 17% मैक्सिमम था, लेकिन इस बार उसको बढ़ा के 20% कर दिया गया है। ये सीट क्या है, जो मेन आपका सीट था पहले या अभी भी, वो मेन सीट में से ये रिजर्वेशन नहीं है, ये अलग से जहाँ पे बढ़ सकता था उस सीट को बढ़ा के किया गया है। IIT में गर्ल्स और बॉयज को रेशियो को मेंटेन करने के लिए किया गया है, ये मेन सीट को कहीं अफेक्ट नहीं किया और ये गर्ल्स के लिए बढ़िया खबर है, ठीक है। तो अब अदर इंस्टीट्यूट आता है, क्या है कि जो JEE एडवांस आप दे रहे हैं उसके थ्रू तो IIT है, या IIT के अलावा कुछ और भी इंस्टीट्यूट है जो इसका रैंक एक्सेप्ट करता है, जैसे IISc बैंगलोर है, आइजर है, आइजर का बहुत सारा कैंपस है, बहरामपुर है, भोपाल, कोलकाता, मोहाली, पुणे, तिरुवनंतपुरम एंड तिरुपति है, ये सब भी एडवांस का ही रैंक एक्सेप्ट करता है, ठीक है। IIST तिरुवनंतपुरम है, उसके बाद RGIPT रायबरेली, IIP विशाखापट्टनम, ये इंस्टीट्यूट सब में यदि आप एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड हैं तो JEE एडवांस के रैंक से तो लेगा, बट क्या है कि इसका ऑफिशियल वेबसाइट भी विजिट करते रहिए, वहाँ पे इसका सेपरेट अप्लाई होता है, JEE एडवांस के थ्रू लेगा लेकिन सेपरेट अप्लाई आपको अलग से करना पड़ेगा। अब अदर इंस्टीट्यूट के बाद आते हैं एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जो JEE एडवांस का एग्जाम है ये 2 शिफ्ट में होता है, ये 2 पेपर होता है इसका, पेपर 1 और पेपर 2, पहले 3-3 घंटे का 2 पेपर होगा। 27 सितंबर को ये आपका एग्जाम होने वाला है, पेपर 1 जो 9 से 12 बजे तक होगा और पेपर 2 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक होगा। एडवांस देने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे यदि बात करें तो इस बार जो 2.5 लाख स्टूडेंट JEE एडवांस के लिए क्वालिफाई होगा, तो थोड़ा सा जो कट ऑफ है ये इस बार कम जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा अपीयर होगा। और जो 2.5 लाख स्टूडेंट में से आप देखिएगा यहाँ पे कि सबका जो रिजर्वेशन दे रखा है, जैसे सपोज कीजिए आपको पहले से पता है कि OBC NCL का जो 27% रिजर्वेशन होता है टोटल सीट का, तो OBC NCL में 64,125 है और OBC NCL PWD में 3,375 है। दोनों को यदि हम ऐड करें तो
तो 67,500 होता है जो टोटल मतलब 2.5 लाख का 27% है। तो जिस कैटेगरी के लिए जितना सीट रिजर्व है उस कैटेगरी से उतना स्टूडेंट क्वालिफाई होगा, इसको आप देख सकते हैं बारी बारी से, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें तो दूसरा जो क्राइटेरिया होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपका, ये एज लिमिट है। SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, अदर सारे के लिए यदि उसका जो है 1 अक्टूबर 1995 के बाद का होना चाहिए। जो ये थर्ड पे है जो थर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो ये नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, ये नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के बारे में आप जानते हैं कि 2 कंसेक्यूटिव ईयर होता है, ठीक है। जो 18 और 19 में, जो 19 और 20 में पास हो रहा है वही सीट दे सकता है, जो 18 में जून के बाद है, ये सारा कंडीशन है आप देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आप जानते हैं कि 11 को सितंबर को उसका रिजल्ट आएगा, 11 के बाद से आपका 12 से लेकर 17 तक इसका रजिस्ट्रेशन होगा। और जो पेमेंट है इसका, जो आप 18 सितंबर तक पेमेंट का है, 5 बजे तक आप पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन का डेट लास्ट 17 तक ही है, तो इसको आप ध्यान रखें। इसको यदि आप क्वालिफाई करते हैं तो अपना प्रिपरेशन जारी रखें और स्टेट पे अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। जो रजिस्ट्रेशन जो JEE एडवांस 2020 के रजिस्ट्रेशन फी है, ये किसी ऑल कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट के लिए 1400 रुपये लग रहा है, SC ST PWD कैंडिडेट के लिए भी 1400 ही लग रहा है, बाकी ऑल अदर जितना भी कैंडिडेट होगा जैसे जनरल EWS जनरल या OBC उस सबको 2800 रुपये लगने वाला है, ठीक है। इंडियन नेशनल्स के लिए, यदि कोई फॉरेन नेशनल्स है तो इसके लिए अलग से चार्ज होता है। इसके बाद यदि हम बात करें तो एक बार इसको जो मेन चीज है आपका कि JEE एडवांस के फॉर्म डालने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होगा, तो स्टूडेंट यहाँ पे जो ऑल सभी कैंडिडेट को जो 10th का सर्टिफिकेट है उस पर डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ कंफर्मेशन के लिए डालना है। उसके बाद क्लास 12th का सर्टिफिकेट डालना है। यदि 10th में जो 10th के सर्टिफिकेट आपका नाम है और JEE मेंस में भी कुछ भी चेंजेज आया हुआ है तो उसको आपको गजेटेड नोटिफिकेशन, ठीक है, ये करवा के डालना है आपको। उसके बाद इसके साथ साथ यदि आप ओपन से है तो कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। यदि आप किसी भी कैटेगरी का एडवांटेज लेना चाहते हैं जैसे जनरल AWS OBC या कुछ भी, तो आपको अलग से इसका कैटेगरी सर्टिफिकेट डालना होता है 1 अप्रैल 2020 के बाद का। यदि आपके पास सर्टिफिकेट बना हुआ है तो ठीक है, नहीं तो घबराने की कोई बात नहीं है। जो दूसरा ऑप्शन भी JEE एडवांस देता है डिक्लेरेशन फॉर्म का, वो डिक्लेरेशन फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए उसको, ठीक है, उस पर अपना सिग्नेचर करके और वही स्कैन करके डाल दीजिए। जब आप आराम से जब आपका एग्जाम हो जाएगा उसके पास आपके पास काफ़ी सफिशियंट टाइम रहेगा उसको बनवाने के लिए, और नीचे जो भी फॉर्मेट दिया गया है उस फॉर्मेट में जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको एग्जाम के बाद आप बनवाइएगा जो जो डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, तो इसी फॉर्मेट में बनवाए, क्योंकि किसी भी तो बनवाना ही है, तो आगे इस फॉर्मेट में बनवाइएगा तो आपके किसी टाइप का आगे प्रॉब्लम नहीं होगा। आप आगे चलते हैं थोड़ा तो देखते हैं जो एडमिट कार्ड है JEE एडवांस का, ये आपका 21 सितंबर से लेके 27 सितंबर तक आपको आज 21 सितंबर को आ जाएगा, 27 तक आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको। अपना डाउनलोड करके जिस पर आपका सारा कुछ मेंशन होगा वो आप देख लीजिए, ठीक है। उसके साथ साथ भी इस बार कोविड को लेके जैसा इंस्ट्रक्शन ये JEE मेंस को लेके आया था वैसा ही उसका भी होगा, तो उसमें देखेंगे क्या होता है उसको आप एक बार देखिएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन पेपर है ये आपका ये दोनों में इंग्लिश और हिंदी मीडियम में आना है, वो अपना सेलेक्ट कर ले लैंग्वेज जो भी आपको चाहिए। मोड ऑफ जो एग्जामिनेशन है ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम भी होगा, तो आप ऑलरेडी भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम दे रहे हैं तो इसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो और ये सब चीज़ें नॉर्मल है आप इसको एक बार देखते जाइए, जो इम्पोर्टेंट है ये हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सिटी कौन कौन सा है जहाँ पे JEE एडवांस होने वाला है, मतलब आपको सेंटर के लिए क्या क्या ऑप्शन मिलने वाला है, तो क्या है कि आप यहाँ पे स्टेट वाइज आप जो जो एग्ज़ाम सेंटर है ये देख सकते हैं। जो आपको एग्ज़ाम सेंटर देना है इसको पहले से एक बार देख ले, डिसाइड कर ले, और कोविड को लेके ज़्यादा दूर या जहाँ पे कंफर्टेबल हो आप वो डाले, वही मिलने वाला है आपको जितना भी सेंटर डालना हो, ठीक है। जून वाइज आप देख ले, जिस भी जून में आप डालना चाहते हैं उसको डालिए। जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है ये अभी भी आप पढ़ सकते हैं कि आपको ये एडमिट कार्ड के साथ साथ एक आईडी प्रूफ लेके जाना है, ये करना है सारा कुछ, और ये एडमिट कार्ड पे भी आएगा, तो इस समय अपना टाइम ज़्यादा कोई भी ताकि कोई फायदा नहीं है। जो आपका ये कैंडिडेट का रिस्पॉन्स कॉपी होगा ये पब्लिश कर दिया जाएगा, ठीक है। जो प्रोविजनल आंसर की भी आपका 29 को जारी हो जाएगा, उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट है आपका ये
5 अक्टूबर को ये डिस्प्ले कर दिया जाएगा। जो रैंक लिस्ट है आपको मिल जाएगा, उसके बाद इसके साथ साथ ही ठीक है आप देख सकते हैं कि आप ये भी जानते ही होंगे कि जो मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स है ठीक है ये लाना पड़ता है सब्जेक्ट वाइज। जैसे जेई मेंस में क्या होता है कि 3 सब्जेक्ट का पेपर हो रहा है, किसी सब्जेक्ट में निगेटिव ही मार्क्स आ रहे हैं फिर भी आपका रैंक आएगा, बट जेई एडवांस में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे मतलब हर सब्जेक्ट में क्वालिफाई करना भी जरूरी होता है तभी आपका रैंक बनेगा। जो देख सकते हैं किस कैटेगरी के लिए कितना परसेंट मिनिमम मार्क्स जो है वो लाना है। जनरल ईडब्ल्यूएस है तो 9% स्कोर करना है, ओबीसी एनसीएल है तो 9% आपको मिनिमम ईच सब्जेक्ट में स्कोर करना है ठीक है। यदि एससी है तो 5%, एसटी है तो 5%, यदि आप जनरल पीडब्ल्यूडी है तो 5%, जनरल ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी है तो 5%, ओबीसी एनसीएल पीडब्ल्यूडी है 5%, सब में एससी एसटी में 5%, सिर्फ प्रिपरेटरी कोर्सेज का जो है उसमें 2.5% होता है। प्रिपरेटरी क्या होता है, अलग से सीट जो वैकेंट रहता है या अलग से कुछ सीट है जो एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए ही होता है, 5 ईयर का होता है। इस पर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ये भी आपको आगे जानकारी मिल जाएगा। उसके बाद जो इसका रिजल्ट आने के बाद क्या है, वो जो 5 अक्टूबर को इसका रिजल्ट आएगा, इसके बाद जो बीआर का तो जो एनआईटी और भी जो कॉलेजेज है उसका तो बीआर जो आप जेई मेंस के साथ दूसरा पेपर दिए उसी के थ्रू ही हो जाएगा। बट यदि आप आईआईटी में बीआर के आर्किटेक्चर चाहते हैं तो 3 ही आईआईटी में, यहाँ पे आईआईटी बीएचयू, आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी रुड़की में 3 जगह बीआर है। इसके लिए अलग से एग्जाम होता है एएटी, जिसका रजिस्ट्रेशन का आगे इम्पोर्टेंट डेट सब दिया गया है, सिलेबस दिया गया है, आप उसको देख लीजिए। जो एएटी का रजिस्ट्रेशन होगा ये 5 से 6 के बीच में होगा, 5 बजे तक ठीक है। जो इसका एग्जाम होने वाला है ये 8 अक्टूबर को होगा और 11 को इसका रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा, क्योंकि उसके बाद जोसा काउंसिलिंग का भी होगा। तो ये था आपका इसका जो पार्ट्स ऑफ पेपर एडमिशन का है, जोसा के थ्रू सब कुछ होगा, इसमें 12 के मार्क्स का सब कुछ दिया गया है। जोसा के बारे में भी थोड़ा सा इसमें दे रखा है, इसको आप पढ़ लिए। जैसे आईटी एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटीआई में एडमिशन के लिए जोसा के थ्रू होगा सारा कुछ, जो काउंसिलिंग का है तो काउंसिलिंग का मैं फुल प्रोसेस वीडियो डालने वाला हूँ, जो जेई मेंस के बेसिस पे कौन कौन सा है, स्टेट काउंसिलिंग, सेंट्रल काउंसिलिंग सबका। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप पढ़ लीजिए सारा। ये आपका जो 30 नंबर पे जनरल रिस्ट्रिक्शन फॉर माइनिंग इंजीनियरिंग प्रोफेशन, माइनिंग के लिए क्या है कि फीमेल कैंडिडेट को अलाउ नहीं है, यही लिखा गया है। ये सारा कुछ आपका जो फॉर्मेट दिया गया है ये आपका सिलेबस है, सिलेबस आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, उस हिसाब से थोड़ा सा अभी भी टाइम है आप अपना रिविजन कर लीजिए ठीक है। किसको नहीं कर मतलब किसका जेई एडवांस क्वालिफाई होना है, बहुत को तो पहले से ही लगभग आइडिया होगा कि मेरा जेई मेंस कैसा हुआ है ठीक है, कैसा होने वाला है। तो जेई एडवांस का जो प्रिपरेशन होगा सिलेबस देख के थोड़ा सा इसको एक बार आप देख लीजिए। इसके बाद जितना भी ये फॉर्मेट है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस डॉक्यूमेंट्स के चक्कर में भी ना रहें। जेई एडवांस देने के बाद आपके पास टाइम ही टाइम होगा ये डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए, और जो भी डॉक्यूमेंट्स बनवाए ये इसी फॉर्मेट पे बनवाए। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होता है किसी टाइप का, कोई ये अभी भी आपको किसी टाइप का कोई डाउट रह गया हो तो अबाउट में जाके मेरा नंबर दिया गया है, इस पे कॉल करें, अपना सारा डाउट आप क्लियर कर सकते हैं। एक बार फिर से चलते हैं, लास्ट में थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। जैसे आप जानते ही होंगे जो जेई मेंस अभी हो रहा है 6 से 11 के बीच में इसका रिजल्ट दे देगा ठीक है, ये 11 सितंबर तक इसका रिजल्ट दे देगा। उसके बाद ये आपका जेई एडवांस का फॉर्म अप्लाई होगा 12 से लेकर 17 तक ठीक है। उसके बाद ये 18 तक लास्ट डेट है पेमेंट का, उसके बाद 21 से 27 के बीच में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, 27 को 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम है। उसके बाद 29 सितंबर को आपका जो एंसर शीट है डिस्प्ले हो जाएगा और 5 अक्टूबर को आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद जो एएटी के लिए रजिस्ट्रेशन है ये 5 और 6 अक्टूबर को होगा, उसके बाद 8 अक्टूबर को इसका टेस्ट है, रिजल्ट इसका 11 अक्टूबर को डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद जो जोसा काउंसिलिंग स्टार्ट हुआ तो स्टूडेंट आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।